हाय एवरीवन, मैं मालती हूँ और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में ये सुबबुल के बारे में बताने जा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये इसकी फलियाँ ऐसे निकलती हैं इसमें से, और इसमें से बीज निकलता है। ये इसके बीज निकल चुके हैं। ये बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, उसमें फलियाँ लगी थी। ये छोटा वाला पेड़ है, मैंने उधर से वो बीज गिरे इसके, तो वहाँ के लिए छोटे छोटे पौधे उग गए हैं, तो वहाँ से मैंने इसको प्लांट किया है। तो ये देखिए बढ़ रहा है। अच्छा, ये 2 महीने हो गए मुझे यहाँ प्लांट करे हुए इसको। ये अभी तक इतना बड़ा हो गया, मेरे से भी ऊंचा हो गया है। बहुत सारे और पेड़ मैंने प्लांट किए हैं, तो ये सब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम इनको इसलिए लगाते हैं ताकि हम इनसे पौधे इनके ऊपर चढ़ा सकें। दूसरी बेल जो है हमारी गिलकी की, लौकी की, ये सब पौधे हम इन पर चढ़ा सकें। और ये अच्छे से बाउंड्री भी करता है, इसके अंदर यदि रस्सियाँ बांधो तो बाउंड्री हो जाती है पूरी। और इस पर बेल भी चढ़ा सकते हैं और छैया भी अच्छी हो जाती है गर्मी के दिन में। इधर ज़्यादा गर्मी होती है ना, गर्मी ज़्यादा रहती है, उसकी वजह से ये हरियाली देता है अच्छा, और धूप को रोकता है, डस्ट को रोकता है, और इसकी पत्तियाँ एकदम हरी हरी रहती है। गर्मियों में भी हरी हरी रहती है पूरी, और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। रेतीले मैदान में भी हो जाता है, सभी दूर हो जाता है। ये कहीं भी बो दो आप, ये लग जाता है। इसकी जड़ें ज़मीन में अंदर चली जाती हैं और पूरा पानी सोख लेती हैं, और ये हरा रहता है पूरा टाइम, एकदम ऐसा ग्रीन ग्रीन बना रहता है। और ये जो बकरियां रहती है, ऊँट वगैरह, ये सब इसकी पत्तियां खाते हैं, इसकी पत्तियां ऊपर तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं। इसमें कोई कीड़ा वगैरह भी नहीं लगता है, कीड़े भी इसको नहीं खाते हैं। और इसकी पत्तियां जो गिरती है, उसकी पत्तियों से मैं इसका खाद बना लेती हूँ। सब नीचे पत्तियां गिरती है, सूखती है, तो मैं कंपोस्ट में डाल लेती हूँ इसी को, झड़ा झड़ा के सब पूरी, तो इसका खाद बन जाता है। वो भी मैं आपको बताऊँगी मैंने कैसा इसका कंपोस्ट बनाया है। और अपने टमाटर में, मिर्ची में, सब में इसका कंपोस्ट में डाल रही हूँ, तो वो मैं आपको एक वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू एंड बाय।